धन्यवाद करती हूँ जो अभी तक सही सुरक्षित रखा है, जीवन अच्छा दिया है प्रभु, कोई चीज में घटी कमी नहीं रखा है परमेश्वर। और मैं प्रभु पर ही मैं भरोसा रखती हूँ अभी तक, जो अभी सही सलामत अभी भी हूँ। मेरे भी कुछ घटना हमारे साथ खुद के हुआ था, जो मैं पिछले साल गांव गई थी, गांव गई तो एक महीना गांव में रह गई और दूसरे महीना आई तो दो महीना में चर्च नहीं गई। प्रभु हमको साफ साफ दिखा दिया था कि तू चर्च क्यों नहीं जाती है। अब मुझे पता नहीं कोई बात का गुस्सा था या चाहे कुछ भी था, मैं दो महीने नहीं गई और मैं मन में कह रही थी मैं प्रभु के भवन में अब जाऊंगी नहीं। अब पता नहीं शैतान ऐसे कर रहा था चाहे जो भी करे, तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। वो परमेश्वर अब वो कर रहा था जो तू भवन में क्यों नहीं जाती है, तू प्रार्थना में क्यों नहीं जाती है। और हम अपना जीवन जो अकेले कर लिए जो हम नहीं जा रहे थे, जब नहीं जाने को कारण हमको परमेश्वर इतना वो कर दिया, वो कहता है ना तारना भी देता है प्रभु। तो मुझे साथ वही हुआ था जो इतना जोर से बीमार पड़ गई, जो पता नहीं अंदर से कैसे कैसे उल्टियाँ से कैसे कैसे अंदर से निकल रहा था, पता नहीं कैसे निकल रहा था। तो मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर अपने दासी को भेजा मेरे लिए, तो ये सब बहन हमारे लिए प्रार्थना करी है। तो फिर हमारे हाथ पैर सारे सूजना शुरू हो गया था, जो अब तुमको शैतान कह रहा था जब तुमको हम लेके जाऊंगा। अब परमेश्वर कितना अनुग्रह है हमारे ऊपर, जो बोला तू कैसे लेके जाएगी इसको, वो राजा कौन सा कुछ में है ना, जो बोला जो इसको हड्डी छोड़ दे वो जान छोड़ के कुछ भी कर ले। तो वही हाल हमारे साथ हुआ, मैं जो इसको प्राण छोड़ के और तू इसको साथ कुछ भी कर। लेकिन मेरे प्रभु जो है महान, राजाओं का राजा है, डॉक्टरों का जो डॉक्टर है, वो मुझे छोड़ा नहीं। वो अपने दासियों के अपने विश्वासियों को मेरे घर भेजा है जो प्रार्थना करे। प्रार्थना करने के बाद हम दो तीन दिन में हम ठीक होने लगी, तो हम पूरे बिल्कुल ठीक हो गई। ना तब से नहीं दवाई खाती हूँ, ना कोई हमारे कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे शरीर के अंदर में। मैं सबको जय मसीह करती हूँ, प्रभु धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।